पहले मैं घर वालों से इजाजत लेता हूँ कि मैं जा रहा हूँ। डेडी बने रहो हाँ, चलो भी खुदा है सवाल। ठंड है बहुत ज्यादा यार, ठंड के मारे मैं मरूंगा आज तो पक्का, ठंड के मारे मरूंगा यार, हर दिन धूप होती है। वेलकम बैक टू द चैनल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सारे लोग, उम्मीद करता हूँ आप सारे लोग ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज आपने देखा मैंने कुछ थोड़ी सी जो बैग में कुछ डॉक्यूमेंट्स भर ले एंड हेलमेट उठा ली मैंने, कहीं जा रहा हूँ मैं। तो मैं आपको बता देता हूँ मैं कहाँ जा रहा हूँ। एक्चुअली मैं कंप्यूटर क्लासेस आज से ज्वाइन कर लिया, एक्चुअली मुझे प्रीमियर प्रो सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ क्लासेस लेने थे, उसके बारे में बहुत कुछ सीखनी थी मुझे, जैसे की फ्रेम लगाना, जैसे मोशन में मास्क लगाना, जो एडिटिंग करना जानते हैं उनको शायद पता ही होगा। तो बहुत सारी चीजें मुझे सीखनी थी, उसकी वजह से मैंने क्या है ज्वाइन किया है कंप्यूटर क्लास। मुझे कल शाम को कॉल आई कि कहा कि आपके आज से क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं, तो मैं उसी के लिए तैयारी कर रहा हूँ। तो अभी मैं चल रहा हूँ वहाँ की ओर, लेकिन आज मेरी बदकिस्मत की वजह से आज धूप बिल्कुल भी नहीं है, शाम को थोड़ी सी हल्की हल्की बारिश हुई है, उसकी वजह से आज मौसम जो है बहुत खराब है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ शायद इंशाल्लाह मौसम ठीक हो जाए, तो करते हैं हम तैयारी इंशाल्लाह। लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट काम कर लेते हैं, अपने पेरेंट्स से इजाजत लेते हैं, उसके बाद हम चलते हैं अनंतनाग की ओर। पहले अपने ब्लैक आई के डॉक्यूमेंट्स बैग में भर लेता हूँ यार, पहले से देर हो गई है मुझे, यहाँ पे मैं इसको पहले भर लेता हूँ, और एक कॉपी भी साथ में ले जानी है मुझे, वहां पे काम आएगी ना ये कॉपी। चलिए बैग तो रेडी हो गया, एंड और एक पेन, पेन भी चाहिए होगा मुझे। बस आज धूप निकल जाए यार किसी ना किसी तरह, वरना ठंड से मैं मर जाऊंगा। इसको भी बोला उठा लेते हैं, पढ़ लेते हैं इसमें। एंड वॉलेट, वॉलेट मेन चीज है, इसमें कार्ड है क्या, सही है, इसको हम यहाँ पे भर लेते हैं। हेलमेट की हालत अगर आपको दिखेगी ना, ये बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, तब से जब से शायद मैं वहां बाहर से आया हूँ तब से मैंने इसकी सफाई नहीं की है बिल्कुल भी नहीं। एंड इसमें इतना डस्ट जमा हुआ है ना, मेरे कमरे में इतना डस्ट होता है तो सोच लो मेरे हेलमेट में कितना डस्ट जमा हुआ होगा, बहुत ज्यादा डस्ट इसमें जमा है। जिसका ये ऑटोमेटिक सिस्टम होता है ना वाइजर वाला, ऊपर खुद चढ़ जाता है, ये बहुत बकवास होता है, फिर ये खराब भी हो जाता है, मेरा खराब हो चुका है ये, इसकी वजह से मैं अब दूसरा लाऊंगा। जब मैं बात कर रहा था ना, आज धूप बिल्कुल भी नहीं है, मौसम जो है बहुत खराब है यार, बहुत ज्यादा खराब, धूप कहीं से निकल नहीं रही है। अभी धूप निकलती थी इस साइड से, लेकिन आज तो बिल्कुल भी धूप का कोई नामो निशान नहीं है। तो कोई बात नहीं, अब चाहे धूप पड़े या ना पड़े तो जाना तो मुझे जरूर है, क्योंकि मेरे क्लासेस जो है स्टार्ट हो रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे, बिल्कुल भी स्किप इस व्लॉग को नहीं करेंगे। एंड जो जो चाहते हैं कि हम वो कंप्यूटर क्लासेस ज्वाइन करेंगे, मैं उनको अच्छी तरह से डिटेल्स सेंड करूंगा, जहां पे मैं कंप्यूटर क्लास ज्वाइन करूंगा मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पे मैं कंप्यूटर क्लास जो है, कहाँ पे मैं कंप्यूटर क्लास जो है ज्वाइन करने वाला हूँ। लेकिन पहले मैं वहाँ की एक्सपीरियंस देखूंगा, पहले मैं देखूंगा क्या किस तरह वो सिखा रहे हैं, अगर वो अच्छी तरह सिखा रहे हैं तो फिर मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा कि आप भी वहाँ ही जाइए कि अपने कंप्यूटर क्लासेस ज्वाइन करने है। ब्लैक आई की कीज, इसको उठाना जरूरी है, तो चलिए निकलते हैं, फिर करते हैं अपनी तैयारी, बैग लगाते हैं, पहले बैग तो लगाना है किसमें, इसमें मैंने ब्लैक आई के कुछ डॉक्यूमेंट्स उठा ले। चलिए फिर निकलने की तैयारी कर लेते हैं, वो बिस्मिल्लाह कर लेते हैं। अभी सॉक्स भी लगाने हैं, पहले पहले मैं अपने कमरे को बंद कर दूं अच्छी तरह से। तो चलिए, अभी ठंड बहुत ज्यादा है यार, मुझे नहीं लग रहा है आज धूप पड़ने वाली है, फिर भी देख लेते हैं, अगर धूप पड़ गई तो पड़ गई, फिर पहले मैं घर वालों से इजाजत लेता हूँ कि मैं जा रहा हूँ। डेडी बने रहो हाँ, चलो भी खुदा है सवाल। आज ठंड है बहुत ज्यादा यार, ठंड के मारे मैं मरूंगा आज तो पक्का, ठंड के मारे मरूंगा यार, हर दिन धूप होती है लेकिन आज धूप निकलने का नाम ही नहीं ले रही है। बिस्मिल्लाह,
चलिए कीज कहाँ पे रखी थी मैंने, समझ भी नहीं आ रहा कीज हाँ जेब में। तो अपनी ब्लैक है को हम स्टार्ट कर लेते हैं, ऐसा ब्लैक है अच्छे से स्टार्ट हो जाए यार। इस पे थोड़ी सी बारिश जो है गिरी हुई है, इस पे बारिश गिरी हुई है। अभी तक घर वालों को नहीं पता है कि मैं बाइक पे जा रहा हूँ, अगर वो देखेंगे ना वो अभी बोलेंगे क्यों जा रहे हो बाइक पे। बिस्मिल्ला, तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। उम्मीद है कि आप इस व्लॉग को एक मिनट के लिए भी स्किप नहीं करेंगे, आप मेरे साथ ही रहोगे। A few moments later. अभी पहुंचा हूं मैं अनंतनाग जस्ट नाउ एंड मुझे लग रहा है आज मौसम दिन भर खराब ही रहने वाला है, तो देखते हैं आगे जाके कैसा रहेगा मौसम। अगर अच्छा रहा तो बहुत अच्छी बात है, वैसे ब्लैक है पे मुझे उतनी ज्यादा ठंड भी नहीं लगी एंड उतनी ज्यादा ठंड नहीं थी आज, लेकिन फिर भी जब लगी हो तो फिर क्या कर सकते हैं। तो मैं अनंतनाग पहुंच गया, अभी मुझे थोड़ा यहाँ पे काम है, मुझे कुछ पेपर वर्क करवाना है यहाँ पे एंड उसके बाद माफ कर दो, अभी हाँ माफ कर दो, मेरे पास वॉलेट ही नहीं है। तो कुछ मतलब पेपर वर्क मुझे यहाँ पे करवाने हैं, उसके बाद मैं चलूंगा जहाँ पे मुझे कंप्यूटर क्लासेस करवाने हैं एंड उसके बाद मैं आपको फर्दर डिटेल्स दूंगा। अगर वहाँ पे मुझे अलाउ किया उन्होंने कि कैमरा ले जाने के लिए तो मैं कैमरा अंदर लूंगा, लेकिन अदरवाइज अगर उन्होंने कैमरा अलाउ नहीं किया तो उसकी मैं आपको डिटेल्स डेफिनेटली अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करूंगा कि आज मेरा क्लास कैसा रहा वहाँ पे, बिल्कुल शेयर करूंगा आपके साथ एंड मैं बताऊंगा अगर वो लोग अच्छे से सिखा रहे हैं तो आपको वहाँ जाना चाहिए, अदरवाइज वहाँ पे एडमिशन नहीं लेना चाहिए। सो अभी के लिए मैं कैमरा ऑफ कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़ा सा काम है, पहले मैं पेपर वर्क करवाता हूँ यहाँ पे एंड फिर उसके बाद मैं चलता हूँ अपने कोचिंग सेंटर पे एंड वहाँ पे जैसे मैंने कहा अगर मुझे वहाँ पे अलाउ करेंगे कैमरा को तो फिर कैमरा में अंदर लेके जाऊंगा, फिर मैं वहाँ पे क्लास कंप्लीट करके आपके साथ वहाँ पे सारी डिटेल जो है आपके साथ शेयर करने की, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे कैमरा बंद करना पड़ेगा। अनंतनाग की सिचुएशन भी ऐसी है कुछ, देख लो जैसे वहाँ पे मेरे होम टाउन में सिचुएशन थी, राइट नाउ अनंतनाग की भी ऐसी कुछ सिचुएशन है। निकलेगी धूप लेकिन देखते हैं, अगर निकली धूप तो ठीक है अदरवाइज नहीं निकलेगी। मुझे लग रहा है कि आज दिन में शायद जो है हल्की हल्की सी बारिश होने वाली। A few moments later. आपको मैं दिखाऊंगा कि मैंने जो अपनी ब्लैक है यहाँ पे मैंने इसको पार्क करके रखा था, यहाँ पे मैं जा रहा हूँ आज ऊपर, पहले मैं सारी एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगा। अच्छा आज की एक्सपीरियंस मेरी इसके हिसाब से रही जो मैंने कहा कि मैं आपसे भी शेयर करूंगा जब मैं क्लास वहां पे दूंगा, तो वो उस टाइम का एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करूंगा। तो मेरी आज की क्लास की जर्नी जो है वो अच्छी रही, इंट्रोडक्शन हुआ वहां पे कि इंट्रोड्यूस करवाया खुद को एंड उनसे भी इंट्रोडक्शन लिया मैंने, तो उन्होंने बोला कि आपने कुछ सीखा है, तो मैंने एडिटिंग के बारे में कुछ उनको स्टेप्स बताए, तो उनको लगा मैंने कहीं पे क्लासेस दिए थे, एक्चुअली मैंने कहीं पे क्लास नहीं दिए थे, मैंने YouTube के जरिए सारा सब कुछ सीखा था। जो जो मेन मेन स्टेप्स थे, जो मेन मेन थिंग्स थे, वो तो YouTube से कोई नहीं सीखता है, उसके लिए पेड आपको लेना पड़ेगा तभी आप वो सीख सकते हो। तो फिर मैंने इनको बोला कि ऐसे ऐसे मैंने कुछ सीखा है, तो अच्छी बात है आपने एडिटिंग का बहुत अच्छा काम किया है, आप जल्दी सीख जाओगे एंड मैं भी उम्मीद करता हूँ कि मैं जल्द से जल्द सीख जाऊँ एंड Adobe Premiere Pro जो है वो जल्द से जल्द सीख जाऊँ एंड मेरी एडिटिंग जो है वो एकदम से प्रोफेशनल बने। ये था हमारा आज का एक्सपीरियंस, ये था मेरा आज का व्लॉग जो मैंने इसके लिए रिलेटेड बनाया, जो मैंने इस पे बनाया कि मुझे आज अनंतनाग जाना है। मैंने कंप्यूटर क्लास वहाँ पे ज्वाइन की, कंप्यूटर क्लास इसलिए ज्वाइन की है क्योंकि मुझे Adobe Premiere Pro सीखना था अच्छे तरीके से, उसमें कुछ की फ्रेम्स मुझे नहीं आते थे, उसमें बहुत सारी चीज़ें मुझे बिल्कुल भी नहीं आती थी, तो वो मैं यहाँ आकर के वो कंप्लीट करूंगा, वो कोर्स मैंने लिया, अब देखते हैं कब तक मेरा वो कंप्लीट हो जाएगा एंड जब कंप्लीट हो जाएगा तो इंशाल्लाह मैं उस टाइम के बाद फिर एक प्रोफेशनल एडिटर बनूंगा। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बोलिए एंड जो चैनल पे नया है सब्सक्राइब करना ना भूलना, साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलना एंड जो जिन लोगों ने पहले से सब्सक्राइब करके रखा है मेरी चैनल को, सो प्लीज मेरे व्लॉग्स को जितना हो सके उतना शेयर करें। तो मिलते हैं कल वाले व्लॉग में ऐसे दिलचस्प व्लॉग में, देखते हैं हमें कौन सा ये स्टेप देंगे जो हमें कंप्लीट करना होगा, तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, खुदा।